नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट नाइन स्पेशल में और मैं हूँ आपके साथ रजत। दोस्तों, आज की हमारी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि लोक और परलोक की कहानी क्या है, क्या है परलोक की कहानी, क्या मृत्यु के बाद जीवन परलोक में बीतता है, क्या आत्मा का जीवन परलोक में बीतता है। इन तमाम सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे आज के हमारी इस रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले हम आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारी सभी वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। दोस्तों, आपने अपने दादी नाना तमाम बुजुर्गों से सुना होगा कि आत्मा मरने के बाद परलोक चली जाती है। क्या है ये लोक और परलोक की कहानी आज की हमारी इस रिपोर्ट में जानिए। लेकिन जानने के लिए आपको हमारी पूरी वीडियो जरूर देखनी होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम शुरुआत करेंगे, जान लेते हैं कि किन हिंदू धर्म शास्त्रों में, किन शास्त्रों में इन तमाम चीजों की जानकारी मिलती है। तो दोस्तों, गरुड़ पुराण, गरुड़ पुराण जो है वो इन तमाम चीजों के बारे में बताता है, इन तमाम चीजों की व्याख्या करता है, इन तमाम चीजों को बताता है और दर्शाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि जिस भी व्यक्ति का जन्म हुआ, किसी भी चीज का, अगर यहाँ पे जिस जीव का जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होना तय है। ये तो परम सत्य है, जिसका जीवन है उसकी मृत्यु आना तय है, निश्चित है। तो दोस्तों, कई लोग तो ऐसे जीते हैं जैसे मानो कि वो कभी मरेंगे ही नहीं, वो कभी इस दुनिया से जाएंगे नहीं। तमाम धर्म शास्त्रों में इसका उल्लेख मिलता है। तमाम धर्म शास्त्र ये कहते हैं कि इंसान की मृत्यु एक दिन तो निश्चित है, लेकिन और हर इंसान को एक दिन मरना है। तो दोस्तों, क्यों हम इस मोह की दुनिया में पड़े रहते हैं, क्यों हम अच्छे कर्म भुलाकर बुरे कर्मों का साथ देते हैं, क्यों हम बुराई की तरफ खिंच जाते हैं और अच्छाई भूल जाते हैं, क्यों हमारे जितनी भी महत्वाकांक्षा है हम अपनी महत्वाकांक्षा को बढ़ाकर ही अपनी सभी बुराइयों को अपने अंदर समेट लेते हैं और बुराइयां बढ़ती जाती हैं। आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति ज्यादा महत्वाकांक्षी होता है उसके अंदर बुराइयां ज्यादा हो जाती हैं और वो अनेक परेशानियों में गिरा रहता है। तो दोस्तों, क्या है ये महत्वाकांक्षा, क्यों इंसान अपना ही धैर्य खो देता है, क्यों इंसान इस बेकार की मोहमाया में पड़ा है। दोस्तों, ये कुछ नहीं, आप अपना कर्म कीजिए। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि कर्म कीजिए, फल की इच्छा मत कीजिए। सबसे पहले तो आप अच्छा कर्म कीजिए तो ऐसा माना जाता है कि आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और अगर आप बुरे कर्म करेंगे तो आपको नर्क की प्राप्ति होगी। तो ये स्वर्ग और नर्क है क्या वास्तव में? ये स्वर्ग और नर्क इस धरती पर ही। अगर आपके कर्म, आप मेहनत और अपने शौक, अपने बल पर सारे काम करते हैं तो आपको सभी भौतिक सुख सुविधाओं का लाभ मिलेगा, यही स्वर्ग है। और अगर आप अपना मेहनत और कर्म नहीं करते हैं तो आप देखिएगा निर्धनता की, आप दरिद्रता की जिंदगी जिएंगे, यही नर्क है। तो स्वर्ग और नर्क कुछ नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे जीने की एक प्रक्रिया है कि अगर हम अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, हम सारी भौतिक सुविधाओं के साथ जी रहे हैं तो ये स्वर्ग है, और अगर हम दरिद्रता और गरीबी की जिंदगी जी रहे हैं तो ये नर्क के समान है। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है, मृत्यु के बाद आत्मा का होता क्या है, क्योंकि सभी के शरीर के अंदर आत्मा तो निवास करती ही करती है। अगर आत्मा ना हो तो शरीर का कोई अस्तित्व तो नहीं, शरीर न चलेगा, निश्वर शरीर। इसलिए आत्मा जो है वो शरीर की एक ऐसी ऊर्जा है जिसको ना किसी ने देखा है ना कभी आज तक मिला है। आत्मा तो स्वयं मनुष्य की जो अपनी ही वो है, अपनी ही पहचान है।
तो दोस्तों आत्मा है क्या? वास्तव में आत्मा एक शरीर की एनर्जी है जो शरीर को चलाती है, जिस तरफ शरीर को ले जाती है वो आत्मा है। किसी की आत्मा स्वच्छ होती है तो किसी की आत्मा गंदी होती है। कहते हैं कि तुम अपनी आत्मा से सोचो, तुम अपने अपने हंस अपनी आत्मा से सोचो। तो ये आत्मा वास्तव में है क्या? ये हमारे अंदर की एक ऐसी एनर्जी है। अगर हम ये भी हमारे कर्मों के आधार पर हो जाती है, अगर हम अच्छे कर्म करते रहें तो हमारी आत्मा पवित्र हो जाती है, और अगर हम बुरे कर्म करते रहें तो हमारी आत्मा गंदी हो जाती है और हमारी आत्मा अपवित्र हो जाती है। दोस्तों इस आत्मा और फिर इसके बाद आता है आत्मा और परमात्मा। दोस्तों आत्मा क्या है? आत्मा तो शरीर के अंदर, फिर परमात्मा क्या है? परमात्मा जो है वो कहते हैं कि हर इंसान के अंदर एक परमात्मा है, मतलब हमारे अंदर अच्छाई और बुराई दोनों है। तो हम जब अच्छाई को ज्यादा अपना लेते हैं तो हम पर अच्छाई हावी हो जाती है, और अगर बुराई हमें ज्यादा खेल लेती तो हम पर बुराई ज्यादा हावी हो जाती है, और फिर हम बुरे इंसान बन जाते हैं और इसी तरह हम अच्छे इंसान बन जाते हैं। तो दोस्तों ये अच्छा और बुरा कुछ नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे ऊपर हावी होना है किसी भी चीज का, चाहे वो अच्छाई हो या चाहे वो बुराई हो। तो दोस्तों ये अच्छाई और बुराई सिर्फ हमारी हमारे कर्म है। तो हम बात कर रहे थे लोक और परलोक की कहानी की। तो दोस्तों लोक और परलोक वास्तव में जब आत्मा इस शरीर को, इस फिजिकल बॉडी को छोड़कर यहां से चली जाती है, तब वो परलोक की यात्रा करती है, मतलब दूसरे लोक की यात्रा करती है। और इस दूसरे लोक की यात्रा करने में आत्मा को उसके जो उसने इस जन्म में कर्म अच्छे कर्म किए वो शक्ति प्रदान करते हैं। परलोक कुछ नहीं, परलोक एक मान लीजिए कि आत्मा यहां से निकली और ऐसा माना जाता है कि आत्मा परलोक में सिधार गई, तो ये परलोक है। परलोक मतलब दूसरा लोक। जैसे आत्मा ये इंसानी दुनिया है और इंसानी दुनिया में आत्मा एक शरीर में निवास करती है, और परलोक में देखें तो इनको आत्माएं भूत प्रेत आदि का नाम दर्जा दिया गया है। तो दोस्तों यही है लोक और परलोक की कहानी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने संबंधियों के साथ, अपने करीबियों के साथ। दोस्तों आप हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो हमें और उत्साह मिलेगा, हम मोटिवेट होंगे, हम और भी बेहतर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों मुलाकात होगी आपसे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए मैं रजत आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।